हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्शदा बुटीक। तो आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि आप कैसे पतली पाइपिंग बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। हमने यहाँ पे हमारी स्लिट पे लगाई है ये पाइपिंग। तो देखिए, इस तरीके से आपको पट्टी को दो बार फोल्ड करना है और उसको यहाँ पे आपकी जो स्लिट है चाक उस पर रखना है। यह तरीका आप आपके गले की पाइपिंग पर भी आजमा सकते हो। हमने यहाँ पर स्लिट पर बनाया है तो मैं आपको स्लिट पर दिखा रही हूँ। बिल्कुल पतली पाइपिंग और एक जैसी पाइपिंग लगेगी इसमें। आपको ऐसे रखना है पट्टी को नीचे और आपकी स्लिट को ऊपर रखते हुए इस तरीके से मशीन चलानी है। हम इसको पीछे से भी पक्का करेंगे एक और बार सिलाई लगा के पक्की वाली। तो आप पहले इसको एक रफ सिलाई लगा लेंगे। हम इसको पट्टी को दो बार फोल्ड करते हुए पूरे में इस तरीके से हम पूरे स्लिट पे पाइपिंग लगाते जाएंगे। गाइस, ये हमारी कुर्ती अस्तर वाली है तो हम इस पे सिर्फ ऊपर वाले पे ही हम पाइपिंग लगा रहे हैं। हम पूरे अस्तर में इसकी पाइपिंग नहीं लगाएंगे। इसमें बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग आएगी और इसका लुक भी अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से आप आपकी पाइपिंग स्लिट पे लगा सकते हो। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर सा लुक आ रहा है इसका। यहाँ पे जो आपका कोना है आपको उस पर ध्यान से देखना है कि आपको जो इसमें अगर मोड़ आएगा तो आपको उसको मशीन की सुई अंदर रखते हुए उसको इस तरीके से घुमाना है और इस साइड में आपको आपकी पाइपिंग लगानी है इस तरीके से। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पाइपिंग है उसकी चौड़ाई कम ज्यादा नहीं हो, बिल्कुल एक जैसी आपको रखनी है उसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी स्लेट पे पाइपिंग लगा ली है तो ये कितना सुंदर सा लुक आ रहा है इसका। और बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग लगी है। हम इस पाइपिंग को पक्का करने के लिए एक और टाका लगा लिया है। आप भी